प्रदेश के मुरादाबाद में अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर खनन की वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसके बाद हरकत में आई थाना पाकबड़ा पुलिस ने 9 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को जब्त करने के बाद अवैध खनन करने के 10 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आगे भी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ऐसे ही अभियान चलाया जाएगा। मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा इलाके में खनन माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। जब ग्रामीणों ने इस अवैध खनन की शिकायत पुलिस में की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने अवैध मशीनों से हो रहे अवैध खनन की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिसके बाद थाना पाकबड़ा पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को अवैध रूप से खनन करते हुए सीज कर दिया। मौके से ही पुलिस ने 10 लोगों को भी गिरफ्तार किया है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा वायरल की गई वीडियो में नजर आ रहे डंपर और पोकलेन मशीन को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। ये कल रात को थाना पाकबाड़ा में अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई थी, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमारी करी, जिसमें 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही 8 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 1 जेसीबी भी जब्त की गई है मौके से। और आगे अभियान को लेकर सर, जो अवैध खनन चल रहा है, इसमें अवैध खनन के ऊपर हमारे पुलिस की सख्त निगरानी है। कोई भी अगर अवैध खनन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।